छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी होने के साथ कहीं खुशी की लहर है तो कहीं मायूसी छा गई है। बेला विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी सियाराम कौशिक के टिकट को लेकर स्थानीय स्तर पर नाराजगी देखी जा रही है। पूर्व प्रत्याशी और जिला मंडी बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला अपने समर्थकों के साथ सियाराम कौशिक के विरोध में अब वो खड़े हैं। बेला सीट के लिए टिकट वितरण से संतुष्ट नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि सियाराम कौशिक बागी प्रत्याशी हैं, जो पहले कांग्रेस से विधायक बनने के बाद पार्टी छोड़ दिया था, JCCJ का दामन थाम लिया था। ऐसे में कांग्रेस में शामिल होने के बाद सियाराम कौशिक को बिल्हा का प्रत्याशी बनाया जाना ठीक नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। इसे लेकर पार्टी नेतृत्व से पुनर्विचार और प्रत्याशी बदलने की मांग भी कही जा रही है। पिछले चुनाव में इन्होंने हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल जी के खिलाफ भी, भूपेश जी के खिलाफ भी इन्होंने बोला था और चुनाव लड़के कांग्रेस को हराने का काम किए। इसलिए हम अपनी बात माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी दीपक बैज, माननीय मुख्यमंत्री तक और माननीय और जो भी शीर्ष नेतृत्व है उन तक पहुँचाएंगे कि अगर इसमें पुनर्विचार हो सकता है तो और अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी। नहीं होगी तो भी अच्छी बात है, हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हम तो काम करेंगे।